everyone, welcome and welcome back to my channel. I'm Kiran Khokar, back with another video for you guys. So today's video segment is what I bought versus what I got. ये टॉपिक मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा. मैंने हाउएवर इतना कुछ सामान नहीं परचेज किया है, बट मैंने ये जो चार पाँच छः चीज़ें परचेज की हैं, आई थॉट लेट्स डू इट लाइक कि ये मॉडल पर कैसा लग रहा था व्हेन आई वाज परचेजिंग इट ऑनलाइन एंड हाउ इट इज़ लुकिंग लाइक व्हेन इट हैज़ कम टू माई होम. सो वी विल कम्पेयर द लुक विद द पिक्चर पोस्टेड ऑन देयर वेबसाइट एंड फिर हम देखेंगे कि वो मुझ पर कैसा लग रहा है. बिकॉज कई बार मेरे साथ होता है एंड आई एम श्योर आप सबके साथ भी होता होगा कि हम ऑनलाइन कुछ देखते हैं पर जब वो घर पर आता है तो वो कुछ और ही निकल जाता है. मेरे साथ तो ये बहुत ऑफ्टन होता है. मतलब मैं लिटरली ट्राउजर्स एंड पैंट्स की बात करूँ स्पेसिफिकली, अगर इवन इफ आई ऑर्डर देम बाय लुकिंग एट द साइज चार्ट, वो मॉडल पर दिखा रहा होता है दैट इट इज ऑफ फुल लेंथ और मे बी लाइक अप टिल एंकल लेंथ, एंड जब मैं घर पे वो मेरे पास आता है तो इधर इट्स 2-3 inches शॉर्ट या फिर वो किसी और ही तरह का फिट निकल जाता है जो कि बहुत ही वियर्ड लग रहा होता है. बट जैसे कि हम सबको पता है कि जो मॉडल्स पे जो शूट होता है वो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज होता है, सो वी नेवर नो दैट हाउ इज इट लुकिंग ऑन ऑनलाइन वेबसाइट्स एंड हाउ इट वुड टर्न आउट टू बी इन रियल लाइफ. सो दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू डू इन टूडेज वीडियो. आज मैंने कुछ प्रोडक्ट्स जो है फ्लिपकार्ट से खरीदे हैं. बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं है, ऑलमोस्ट आई गेस हार्डली 5-6 प्रोडक्ट्स आर देयर, विच इंक्लूड्स इंडियन वेयर, इट इंक्लूड्स अ ड्रेस, इट इंक्लूड्स वन और टू ज्वेलरी पीसेस एज वेल. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स चेक आउट कि ये ऑनलाइन वेबसाइट पे कैसा दिख रहा था और मुझे कैसा मिला है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टार्टिंग विद दिस वन, ये है कॉटन कफ्ड प्रिंटेड कुर्ती एंड ये शॉर्ट कुर्ती है. मुझे काफ़ी एक ऐसा ब्राइट कलर में कुर्ती चाहिए थी, सो आई ऑर्डर्ड दिस एंड ये वो चाइनीज कॉलर काइंड ऑफ शेप में है विद टैसल डिटेलिंग हियर. सो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा पैटर्न लगा था एंड नीचे पॉम पॉम डिटेलिंग भी है इसके. सो यहाँ पे मैंने एक पिक्चर इसकी लगा दी है सो दैट यू कैन एक्चुअली एनालाइज कि ये पिक्चर्स में कैसी दिख रही थी एंड रियल लाइफ में कैसी दिख रही है. सो मैंने ये कुर्ती ऑर्डर करके ली थी. मुझे लगा इसका कलर जो है थोड़ा सा लाइटर ऑरेंज शेड में रहेगा, बट जब ये मेरे पास आई है तो थोड़ी सी ब्राइटर शेड में है. नॉट समथिंग दैट आई एम नॉट लाइकिंग, आई एब्सोल्युटली लव दिस थिंग अबाउट इट. मुझे थोड़ा सा ब्राइट कलर ही चाहिए था एंड आई गॉट अ ब्राइट कलर इटसेल्फ इन इट. हाउएवर मैंने इसके अंदर साइज एम ऑर्डर किया था थिंकिंग कि प्रोबेबली ये मुझे थोड़ा लूज फिट आएगा, बट ये थोड़ा सा टाइट है. नॉट आफ्टर यू हैव वॉर्न इट, बट वाइल वेयरिंग इट लिटरली मुझे डर लग रहा था कहीं ये फट ना जाए. सो आई एम नॉट श्योर इफ आई एम गोइंग टू कीप इट और रिटर्न इट बिकॉज ये कम्फर्टेबल तो काफ़ी है, बट प्रोबेबली आई वॉज लुकिंग फॉर अ लिटिल लेस फिटर वर्जन, या फिर मैं इसी सेम कुर्ती के अंदर एल साइज ऑर्डर कर दूंगी. सो जब आप ये खरीद रहे हो सो आई वुड एडवाइस कि आप इसमें 2x साइज अप करके चलना अगर आप थोड़ी सी बस्टी हो, एंड देन इट इज़ गोइंग टू फिट रियली राइट ऑन यू. सो अदरवाइज बहुत ही सुंदर कुर्ती है, टैसल डिटेलिंग के साथ है. सो ये जो मैंने कुर्ती मंगाई है ये है ब्रांड योर एंड नाउ से एंड इट्स का कॉस्ट था समवेयर अराउंड 512 rupees. हाउएवर उस पर 1399 को स्लैश करके लिखा हुआ है कि 512 rupees में मिला है. सो इट्स नॉट अ बैड प्राइस, बट आपको लिटरली और वेबसाइट्स अगर चेक करोगे आप AJIO एंड ऑल पे तो 500 rupees में आपको और भी अच्छे फैब्रिक्स में पैटर्न में कुर्तियाँ मिल सकती हैं. सो आई गेस आई वुड से दैट फॉर मी इट्स लिटरली 6/10 कुर्ती एंड आई माइट कीप इट, आई माइट रिटर्न इट, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट यू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन ही मुझ पर दिक्कत सी रही है. सो अकॉर्डिंगली आई डिसाइड इफ इट इज एक्चुअली वर्थ कीपिंग और नॉट. सो दैट इज अबाउट दिस कुर्ती. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कुर्ती सेट. ये 3-piece set है जो मैंने ऑर्डर किया है एंड ये है ब्रांड नायो से. तो ये जो कुर्ती सेट है ये मुझे बहुत अच्छा लगा था एंड मुझे बहुत अच्छा लगता भी है एंड आई लव टू वेयर इट. ये मैंने पहले खरीदा हुआ है एंड अ फ्रेंड ऑफ माइन रियली लाइक इट, तो मैंने अभी ये उसके लिए ऑर्डर किया है. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सी इट ऑन मी. ये 3-piece कुर्ती सेट है एंड इसका प्राइस कुछ 1300 है. एग्जैक्ट प्राइस मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगी और आप इसकी पिक्चर जैसे कि अभी देख पा रहे हो ये बहुत ब्यूटिफुल सा सी ग्रीन कलर में दिख रहा था एंड 3-piece में ये आया था. इसके प्रिंट्स भी बहुत सुंदर है तो मुझे ऑनलाइन तो ये बहुत सुंदर लग रहा था, प्लस आई लव द टैसल डिटेलिंग जो इसके बैक में दी हुई है. सो यहाँ पे जो आप कुर्ती सेट देख रहे हो ये प्रिंट ऑन प्रिंट कुर्ती सेट है
एंड इस पे बहुत सुंदर सी फ्लोरल एब्स्ट्रैक्ट प्रिंटिंग हो रखी है. सो ये जो यूनायो का कुर्ता है इसमें अनदर बेस्ट थिंग इज दैट इट कम्स विद अ पॉकेट. सो यूजुअली कुर्तीज में हम लोग पॉकेट्स नहीं देख रहे होते हैं, बट आई गेस ब्रांड्स आर चेंजिंग एंड दिस इज अनदर प्लस पॉइंट फॉर मी टू बाय इट. सो दिस इज व्हाई आई वुड से नायोस कुर्ता इज 10/10. एंड इसकी पैंट्स पे भी जिगजैग प्रिंट वाला प्रिंट हो रखा है एंड इन द दुपट्टा ऑल्सो जिगजैग प्रिंट और फ्लोरल प्रिंट का बहुत सुंदर सा मिक्स है. सो जब मैं ऑर्डर कर रही थी मैंने इतना जूम आउट करके नहीं देखा इसकी पिक्चर को एंड नीचे मुझे बॉटम में कोई प्रिंट नहीं दिखा था. तो जब ये मेरे पास फर्स्ट टाइम आया विद माई फर्स्ट इंप्रेशन आई वॉज लाइक आई डोंट नो इफ आई एम गोना कैरी दिस रियली वेल या फिर ये पता नहीं कितना अच्छा लगेगा. बट जब मैंने ये पहना तो एज यू कैन सी इट हियर ये बहुत ही सुंदर लग रहा था. बहुत ही क्लासी और स्टेटमेंट पीस है और बहुत एलिगेंट भी लगता है. सो आई वुड से दैट इट्स अ टोटल मस्ट बाय. फैब्रिक इसका 10/10 है. आप पूरा दिन पहनकर घूम सकते हो एंड यू विल बी कम्फर्टेबल एज एनी थिंग इन दिस. और एक परफेक्ट ऑफिस वेयर भी बन सकता है एंड विद द फिट इज ऑल्सो रियली नाइस. मैंने ये साइज स्मॉल में ही ऑर्डर किया था जो कि मैं यूजली साइज स्मॉल पहनती हूँ. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो परफेक्ट परचेज है एंड अभी के टाइम पे जिस प्राइस पर अवेलेबल है आप अगर खरीदना चाहते हो तो यू कैन एक्चुअली बाई दिस एज ऑफ नाउ. सो आई टोटली लव दिस purchase of mine now and I would say कि जैसे ये online दिख रहा था to ये जैसे offline आया है it's a total 10/10 thing. Now let's check out the next stuff. So next product is this maxi dress which I have got and ये मैंने मंगाई है brand Sisyphus से. So ये मैंने पहले order की थी size M में but मुझे बहुत loose थी. मुझे लगा कि size M usually मैं maxi dresses order करती हूँ तो क्या होता है ना कि मुझे उसका फ्लेयर थोड़ा सा लंबा मिल जाता है एंड एटलीस्ट वेस्ट लाइन से मैं सिंच कर पाती हूँ उसको. बट ये जो ड्रेस थी मैंने साइज एम में ऑर्डर की थी एंड मुझे फिट नहीं हुआ था तो मैंने इसको साइज एस में ऑर्डर किया एंड देन इट फिटेड मी परफेक्टली. सो आई गेस दिस ब्रांड इज ऑल्सो ट्रू टू इट्स साइज एंड जैसे मुझे ऑनलाइन दिख रही थी साइज वाइज ही मुझे उसी हिसाब से फिट हुई है. ओनली थिंग इज कि जब आप ऑनलाइन इस ड्रेस को देखोगे थोड़ा सा कलर आपको ब्राइट लगेगा बट जब ये रियल लाइफ में आता है तो थोड़ा मरूनिश होगा. अभी आप ऑन स्क्रीन भी अगर इसको देख रहे होगे क्योंकि ये वीडियो एडिटेड होगी तो फॉर श्योर चांसेस हैं कि आपको ये ब्राइट कलर की ही नजर आएगी बट रियल लाइफ में थोड़ी सी आपको डार्कर मरून शेड में दिखेगी. एंड मैं कोशिश करूंगी कि मैं साइड में इसकी नॉन एडिटेड क्लिप भी लगा दूं ताकि आपको एक ट्रू टू इट्स कलर आइडिया मिल जाए कि ये एक्चुअली दिख कैसा रहा है रियल लाइफ में विदाउट कलर एडिटिंग. तो इसके साथ बेस्ट बात है कि इसके साथ आई है ये बेल्ट जिसको आप अपनी वेस्ट को सिंच करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो एंड अगर जैसे मैंने यहाँ पे पहना हुआ है आप इसको चाहो तो पीछे एक बो टाई की तरह भी पहन सकते हो. द बेस्ट पार्ट अबाउट इट वॉज इट्स रफल डिटेलिंग जो कि इसके स्लीव्स पर दी हुई है एंड समर्स में ऐसे वाले स्लीव्स जो हैं बहुत ही कम्फर्टेबल लगते हैं और बहुत सुंदर भी दिखते हैं. सो इसकी लेंथ भी बिल्कुल परफेक्ट है एंड फॉर अ हाइट लाइक माइन आई गेस इट्स अ मस्ट परचेज बिकॉज बहुत ही सुंदर मैक्सी ड्रेस है इन 692 rupees. जैसे मैंने ऑनलाइन देखा था टू व्हाट आई हैव रिसीव्ड इट आई गेस आई विल गिव इट 8/10 जस्ट बिकॉज द कलर इज स्लाइटली ब्राइटर आई वॉज एक्सपेक्टिंग बट नेवरदलेस इट्स स्टिल अ गुड पीस एंड कम्फर्टेबल टू वेयर भी है. सो आई गेस यू कैन एक्चुअली थिंक अबाउट बाइंग दिस एज वेल. सो जो नेक्स्ट सेट मैंने ऑर्डर किया है वो है ये ब्रांड सोया से. इट्स अ टू पीस सेट एंड ये एक चिकनकारी कुर्ता और पैंट्स के साथ है इन फैब्रिक जॉर्जेट. कुर्ता अनडाउटेडली मुझे ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था बट दिस वॉज द ओनली रीजनेबल चिकनकारी कुर्ता आई फाउंड और मैंने सोचा इसको एक बार ट्राई करके देख लेते हैं. प्रॉबेबली दिस माइट लुक रियली नाइस इन रियल लाइफ बट एज यू कैन सी इट वॉज लुकिंग रियली ब्यूटिफुल वेन यू आर वेयरिंग इट. बहुत ही कम्फर्टेबल टू वेयर भी है. इट डजेंट कम विद द स्लिप हाउएवर इट इज़ प्राइज एट 990 rupees एंड आप अगर चिकनकारी कुर्तीज का प्राइजिंग देखोगे तो आपको सिर्फ कुर्ती ही यूजली 1000-2000 तक मिल जाती है. सो अगर उस चीज को देखें तो प्रोबेबली दिस इज अ नाइस प्राइस सेट फॉर दैट. सो ये जो चिकनकारी कुर्ता सेट है इसके ट्राउजर्स में भी पॉकेट्स आती हैं एंड दैट मेक्स अनदर प्लस पॉइंट फॉर इट. हाउएवर लुकिंग एट द होल थिंग इसका जो जॉर्जेट फैब्रिक है वो बहुत फाइन है. मतलब बहुत ही हल्का जॉर्जेट फैब्रिक है एंड आप उसमें एक हल्का सा भी आपका नेल लग गया सो आई एम श्योर इट्स गोना कम आउट रियली इजिली. यूजली जैसे कि मैंने बताया कि मैं साइज एस पहनती हूँ इसमें मैंने साइज एम ऑर्डर किया है बट आई बिलीव कि मैं एक साइज और अप जा सकती थी बिकॉज मुझे थोड़ा फ्लेयर्ड लेके ऐसे ढीला टाइप का कुर्ता चाहिए था.
तो बट मैंने फिर भी यू नो साइज एम ऑर्डर कर लिया एंड इट वॉज लुकिंग नाइस, तो मैंने रख लिया है। मगर अगर आपको कुछ ऐसा खुला टाइप का कुर्ता चाहिए जैसे कि मॉडल पे दिख रहा था, तो आप चाहो तो एक और साइज अप ले सकते हो एंड उसमें शायद आप पे ऐसी ही फील आएगी। व्हाट टू व्हाट आई कैन सी ऑन द मॉडल, मतलब लेंथ और हाइट में देखूँ टू कंपेयर टू व्हाट आई हैव रिसीव्ड, आई वुड से इट्स अ 9/10 थिंग, बट इन रियल इट इज लुकिंग रियली नाइस एंड प्रिटी एंड वेरी क्लासी पीस, सो आई वुड स्टिल से इट्स अ गुड थम्स अप एंड इफ यू वांट टू बाय इट देन आई कैन से दैट यू कैन फॉर श्योर गो फॉर इट। टू व्हाट आई सॉ ऑनलाइन वर्सेस व्हाट आई got, I would say it's a perfect 9/10 outfit. Now talking about two jewelry pieces which I have got. यहाँ पे मैंने दो कैरेट कार्ड के jewelry pieces मंगाए हैं। These are माथा टीका sets. And मेरे पास ज्वेलरी में काफ़ी सारे यू नो वो माथा टीका जो होता है वो सारे मेरे पास बहुत सारे रखे हुए थे, बट आई डिड नॉट हैव दैट बैंड काइंड ऑफ थिंग, सो इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, सो आई वांटेड समथिंग लाइक दैट, माथा पट्टी जो होती है वो मुझे एक सेट चाहिए था एंड आई थॉट आई शुड गो फॉर दीज वंस। इनके प्राइजेज मैं मेंशन कर दूंगी। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी फ्रेंकली कि क्वालिटी थोड़ी सी यू नो ओके आएगी, बट ट्रस्ट यू मी ये बहुत अच्छी क्वालिटी में आया हुआ है। एज यू कैन सी इट हियर, ये काफ़ी क्लासी पीस लगता है एंड इट लुक्स रियली नाइस एंड ब्यूटिफुल। दिस इज द फर्स्ट वन। इसके अंदर काफ़ी अच्छी खासी पर्ल चेन डिटेलिंग थी एंड इसके जो नीचे चांद बाली लगी हुई है उस पर ग्रीन कलर की बीड्स हैं। तो ये जो माथा पट्टी है ये 849 रुपीज़ की है एंड इसके नीचे जो है वो ग्रीन कलर की बीड्स की डिटेलिंग है एंड काफ़ी सुंदर दिखती है। इवन अगर आप वेडिंग्स वगैरह में भी इसको पहन रहे हो, सो आई एम श्योर इट्स गोना क्रिएट अ स्टेटमेंट बिकॉज ये बहुत सुंदर लगने वाली माथा पट्टी है। तो मैं जब इसको ऑनलाइन देख रही थी मुझे थोड़ा सा इस पर यकीन था बिकॉज इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, इट्स नॉट अ चीप प्रोडक्ट, ये 849 रुपीज़ का प्रोडक्ट है एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग गुड क्वालिटी, सो वॉट आई हैव रिसीव्ड ऑल्सो इज अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट आई वुड से। सो मैंने जो ऑनलाइन देखा है टू वॉट आई हैव गॉट आई वुड से इट्स अ 10/10 प्रोडक्ट। हाँ मुझे नहीं पता कि आपको इससे चीपर ये सेम प्रोडक्ट किसी और वेबसाइट पर मिल जाएगा कि नहीं, बट फ्लिपकार्ट पे ये इस प्राइस पर अवेलेबल है। सो अगर आपको ये सेम प्रोडक्ट कहीं और किसी और वेबसाइट पर चीपर प्राइस पे मिल रहा है तो फॉर श्योर आप सर्च कर सकते हो, मैं ब्रांड का नाम लिख दूंगी एंड यू नो इट्स कैरेट कार्ड, सो इफ यू फाइंड दैट फॉर श्योर गो फॉर दिस वन बिकॉज दिस लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग एंड आई एम सुपर हैप्पी विद इट। सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट माथा पट्टी जो मैंने मंगाई है। सो मेरी जो नेक्स्ट माथा पट्टी है वो है अगेन चांद वाली टाइप्स। आप काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज जो हैं अपने वेडिंग्स के अंदर माथा पट्टी फॉर श्योर इंक्लूड कर रहे हैं। इट्स काइंड ऑफ यू नो माथा टीका जो लोग लगाकर घूमते थे उसकी जगह माथा पट्टी अभी के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। सो ये जो माथा पट्टी मैंने मंगाई है ये वाली है, ये प्रॉपर चांद वाली डिटेलिंग में है एंड इट हैज़ दोज क्रेसेंट मून ऑन द टॉप। दिस लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल। इसका जो बॉटम माथा टीका है उसके अंदर वाइट कलर के पर्ल्स हैं, तो मुझे लगा ये काफ़ी यूनिवर्सल भी हो जाएगा टू स्टाइल एंड बहुत सुंदर लगेगा। एंड अभी की वेडिंग पिक्चर्स में जैसे आपने आलिया भट्ट वगैरह को देखा होगा तो उन्होंने भी अपनी वेडिंग के अंदर ऐसा माथा पट्टी पहना हुआ था। तो अगर आप कुछ ऐसा ढूंढ रहे हो देन यू कैन चेक आउट दीज टू, इनका क्वालिटी बहुत ही परफेक्ट है। 984 रुपीज़ में मुझे ये वाली माथा पट्टी मिली है। ये वाले आई नो थोड़ी सी एक्सपेंसिव रेंज है बट क्वालिटी इनकी काफ़ी अच्छी है, तो मैंने इस वाले को भी जो ऑनलाइन देखा था टू व्हाट आई हैव रिसीव्ड आई वुड गिव दिस वन ऑल्सो 10/10। हाउएवर आई डोंट नो कि इनका जो प्राइसिंग है वो बेस्ट है कि नहीं है बिकॉज मैं जब और वेबसाइट्स पे भी ट्राई कर रही थी तो मुझे इससे सिमिलर जितने भी चीज़ें दिख रही थी वो सेम प्राइस रेंज में ही दिख रही थी या फिर इवन हायर, बट ऐसा कुछ इस प्राइस रेंज में मुझे कुछ दिखा नहीं। सो आई वुड से दिस इज़ द बेस्ट आई कुड फाइंड ऑन फ्लिपकार्ट फॉर माई सेल्फ एंड दैट इज़ अबाउट इट फॉर द प्रोडक्ट्स विच आई हैव गॉट ऑनलाइन वर्सेज ऑफलाइन फॉर माई सेल्फ। सो ये थे कुछ प्रोडक्ट्स जो कि मैंने खरीदे हैं फ्लिपकार्ट से एंड मैंने खरीदे हैं ये एंड ऑफ सीजन सेल में, तो आप जब ये प्रोडक्ट्स खरीदोगे तो आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाता है लास्ट में बेबी बिकॉज ऑफ योर इंस्टा पेमेंट, या फिर कुछ प्रोडक्ट्स ऑलरेडी डिस्काउंटेड भी हैं। ये प्रोडक्ट्स फॉर श्योर इनमें से कोई भी डिस्काउंटेड नहीं था बट आई हैव जस्ट बॉट इट एंड मैंने सोचा एक सेगमेंट बना दूं कि मैंने क्या ऑनलाइन देखा था टू व्हाट आई हैव गॉट। आई होप अगर इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स आपको अच्छे लगे हैं तो आपको एक वाइज डिसीजन बनाने में कि आपको ये खरीदना है कि नहीं खरीदना, या आप ऐसे कुछ ढूंढ रहे थे तो आपको ये वीडियो हेल्प करेगी। अगर ये आपको वीडियो हेल्प करेगी तो मेक श्योर यू लाइक शेयर कॉमेंट एंड ऑफकोर्स सब्सक्राइब,
because I would really appreciate if you do that. It would mean the world to me. Also turn on the notification bell because you won't get to know that I'm uploading weekly videos. And do share your suggestions. I read your comments and मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे नए नए ideas लाके देते हो और मैं try करती हूँ कि मैं उन maximum ideas पर videos बना सकूँ. Besides that, your love and support means a lot, and whatever time you take out to write on my videos, it really means a lot to me. So thank you for being there on my channel and always supporting me. I love you guys. These are my social media links. Make sure you check them out, as well as I upload daily content on my social media as well. I would love to see you guys on my social media channels. That was about today's video. I'm gonna see you in my next video. Until then, ciao and bye-bye. See you.